পিঁপড়ে কামড়েছে বলে তুমি কাচ্ছো কেন? বেশি রাগ করবি না, ঠিক আছে? তুই যে লাভবাইট আমি জানি, আমাকে ছুঁয়ে বল না, তোর লাভবাইটটা কাচ্ছো বল, আমাকে ছুঁয়ে বল না। Hey guys, good afternoon. Welcome back to our channel. You can be a vlog. So guys, आज एक धमाकेदार प्रैंक होने वाला है, वो तो थंबनेल और टाइटल देख कर आप सबको पता चल गया होगा कि आज मैं रिक के साथ करने वाली हूँ एक लव बाइट प्रैंक। तो रिक पहले मेरे साथ ये वाला प्रैंक किया था, बट मैंने नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि आज करते हैं। तो मैं सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गई थी, मेरा मतलब मेरा थोड़ा काम था इसलिए मैं गई थी। तो और मैं अभी ना अपने फ्लैट में आ गई और रिक है घर पे, रूम पे है, इसलिए ना मैंने रूम पे जाके इंट्रो नहीं दिया, उसको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि बैग वगैरह सब कुछ नीचे रख के अभी चुपके से मैं आ गई हूँ छत पर, और साथ में मैं लेके आई हूँ ये वाला लिपस्टिक। तो एक्चुअली पहले बार जो रिकी ने किया था तो वो अलग सा लिपस्टिक था कि लगाने से घिसने से उठ जाएगा, और ये नहीं उठेगा क्योंकि ये ड्राई लिपस्टिक मैंने लेके आया है, और शेड मुझे नहीं पता ये कलर होगा कि नहीं होगा, तो जो भी है देखते हैं। और इतना धूप है ना छत पे, तो ठीक ठाक से मैं दिख भी नहीं पा रही हूँ कि क्या ब्लॉग हो रहा है क्या नहीं। तो जल्दी से मैं थोड़ा छाए पर जाके ना ये वाला लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और आई होप कि आज मुझे सक्सेस मिल जाए ब्लॉग मतलब प्रैंक का। तो गाइस लगा ली, तो बैठ तक धूप है ना, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। यही एक मुझे जगह मिला कि यही बैठ के मैं कुछ कर पाई, छत पे भी कोई आ गया वो समझेगा कि क्या कर रहा है ये लड़की, तो मैं यही पे आज लगाऊंगी। ठीक से दिख भी नहीं रहा है कि क्या कर रही हूँ। ये देखो कलर दिख रहे हो, एकदम लग रहा है कि लव बाइट का कलर है। तो वहाँ पर जाके मैं भी देख लेती हूँ, फिर इतना धूप है ना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला जो लव बाइट है ये हुआ नहीं है, कैसा हो गया। तो ठीक है, नीचे जाके ना मैं नीचे जाके बाथरूम पे जाऊँगी, और अभी ऐसा करके जाऊँगी कि डिक को दिखाई ना दे, बाथरूम पे जाके ये वाला लव बाइट ठीक करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये वाला लव बाइट तो बहुत ही अच्छा बना है, खा देती हूँ आपको ये वाला, एकदम से लग रहा है कि लव बाइट ही है। तो गैस चलती हूँ नीचे, और ज़्यादातर यहाँ पे नहीं रह सकती क्योंकि इतना धूप है ना, मेरा स्किन देख के आप लोगों को पता चल गया है। तो जो भी है एंजॉय करते रहिए आज का ब्लॉग। कुल्फी हेलो, कैसा रहा काम? बहुत अच्छा था। चलो कुल्फी चलो। अच्छा 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 अच्छा। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, और जाके फ्रेश ब्रेश होके फिर आप लोगों से साथ ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? और मेरा हालत देख रहा है, सुबह निकली थी अभी आई घर पे, और कुल्फी भी अभी बैठे, कुल्फी को एक्चुअली बहुत गर्मी लग रहा है इसीलिए ऐसा करके बैठा है। तो गाइस फिर थोड़ी बदल बात, ठीक है? मुझे टाइम मिल गया, रिक अभी गया है वो क्या बोलते हैं कुल्फी के लिए दही लाने के लिए, और दुकान बंद हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी निकल गया। तो इस टाइम पे ना दुकान पास में ही है, तो इस टाइम से मैं अपना ये वाला लव बाइट ठीक भी कर लूँगी, और कैमरा भी सेटअप कर लेती हूँ, नहीं तो आ जाएगा मेरा गेम नहीं जमेगा। तो देखती हूँ जल्दी से पहले सेटअप कर लेती हूँ। तो गैस देखो मैंने अपना यहाँ पे लबड़ बना लिया, और यहाँ पे तो पहले बन के बना लिया था, और ये थोड़ा ठीक ठाक से मैंने कर दिया कि उसको दिखे, और ही आगे আমি যে সকালে যাওয়ার টাইমে বললাম তুমি রান্না করে রাখবে।
এখন এই 4টা বাজে এসে আমার রান্না করতে ইচ্ছে হচ্ছে তুমি তো আমাকে ভালোভাবে বলে যাও নি তোমার সেন্স নেই যে রান্নাটা করে রাখি তোমাকে তুমি ফোন করলে তুমি রিসিভই করলে না তো মেসেজ করে দিতে আমি বিজি ছিলাম তাই দেখতে পাইনি কিছু এই যাই হোক কি খাবে বিরিয়ানি নিয়ে আসো কিছু নিয়ে আসতে হবে আমাকে 4টা বেজে গেছে তাহলে বিরিয়ানি নিয়ে আসো যাও अभी मजा आएगा ना बिल्कुल यही नहीं अभी और सुनिए আমি বলছি তোমাকে পিঁপড়ে কামড়েছে পিঁপড়ে কামড়েছে
আচ্ছা বলে তুমি কাঁদছো কেন? এই তুমি পিঁপড়া নাও জানি তুই পিঁপড়ে পিঁপড়েগুলো বড় বড় ছিল অফিসে সেই জন্য এত লাল লাল হয়ে গেছে ওই আরে সত্যি পিঁপড়ে কামড়েছে পিঁপড়ে কামড়েতে কে কাঁদে চিটিং করতে হয় তো লাগছে তোর জন্য আমার ইউটিউব ভালো লাগার কোনো কিছু না তোর জন্য আমি ইউটিউব করতেছি এত লোক বাজে বাজে কমেন্ট বলছে সোশ্যাল মিডিয়া সব করে ধরে থাকতে চাই না তোর জন্য সবকিছু করে তুই এসব ব্যস্ত করে আসতেছিস সকাল সকাল আমি কিচ্ছু করি লাভ বাইট না বড় বড় পিঁপড়ে ছিল তাই কামড়ে এক দিব থামবে এক দিব থামবে এক দিব থামবে পিঁপড়া পিঁপড়ে এবার একটা সত্যিকার পিঁপড়ে নিয়ে আসা দেখাবো পিঁপড়ে কামড় কোনটা আর লাভ বাইট ঠিক আছে আমি তো বলছি এটা তুমি এক সপ্তাহ আগে তুমি তোমার কিছু আনবো না ওই
যা না বিরিয়ানি নিয়ে আয় না। কেমন করছিস কেন? আমি অনেকদিন থেকে একজনের সঙ্গে আছি, ভালো লাগে আমার তাকে। তো সে আমাকে সকাল সকাল ফোন করে বললো যে এরকম এরকম ব্যাপার। আমি শুনতে চাই না তোর কাহিনী রচনা। তুই যার সাথে আছিস যেমন পর্যন্ত তুই চলে যা, তুই আমার এখানে থাকিস না। তোর আমার মুখ থেকে দেখতে ইচ্ছে করছে। আরে আমি কাজের জন্য কিন্তু করিনি, এগুলো লিস্টি প্ল্যান করছিলাম। তুমি প্ল্যান করছিলাম যাই হোক, কিছু করে এসে कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसा है कि मेरा मेरा प्रैंक करने से इसको खुशी मिला, ठीक है? इतना मारा और इतना जोर से इसको ये मुझे और भी बाहर पड़ेगी, ये बाहर कर
फ्लिप करके और भी बाहर कर रहा था, तो उस टाइम भी इसने पैर और मेरा पैर टकरा गया, तो बहुत जोर से लगा मेरे पैर पे और रीक ना बहुत रो रहा था, तो मुझे खराब लगा बहुत आज भी, तो ऐसा लगा। कैमरा बंद करो उसके बाद तुमको बोलेगा कैसे। कैमरा के सामने ही मारो ना, मारा तो आज बहुत गंदे गंदे कमेंट आएगा, री तुम्हें मारता है ऐसा ऐसा, ऐसा नहीं है गाइस। तो अच्छा लगा आज का प्रैंक मुझे, करके मारूंगा, कमेंट करते रहो और हम मारते रहेंगे। तो ये वाला जो लव बाइट है, ये घिस घिस कर एक को ट्रस्ट नहीं हो रहा था इसलिए उठा दिया। एक्चुअली मैंने पता था मुझे घिस के देखा गया इसलिए तो मैंने लगा दिया, ये देखो रिक को भी मैंने लव बाइट लगा दिया बट उठा दिया। और ये वाला जो लव बाइट है ये अभी तक नहीं उठा, तो उठ जाएगा, मैं अभी जाऊंगी नहाने के लिए। तो आज का प्रैंक कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना, और ऐसे और कमेंट और प्रैंक देखना है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमारे आप लोगों साथ रहना। आप लोगों को अच्छा लगता है मैं रोती हूँ इसलिए ना, ठीक है अच्छा लगता है अभी इसलिए। तो बहुत दिन से मेरे पास कमेंट पर्सनली मैसेज आ रहा था कि रिक के साथ प्रैंक करो, जो फाइनली मेरा एक प्रैंक सक्सेसफुल हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आज के लिए ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय एंड गुड नाइट।